जीवन के हर काम के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही सभी कामों को जिम्मेदारी के साथ समय से करना सिखाता है। बिल्कुल सही कहा शालिनी। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कर अपने जीवन में अनुशासन लाए, बल्कि हम सभी को अपना जीवन स्व अनुशासित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्व अनुशासन व्यक्ति को सफलता की ओर लेकर जाता है, इसलिए अपने जीवन में अनुशासन लाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। पराक्रम, सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। बिल्कुल, नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाचार, साथ ही होगी राज्यों की सुर्खियां भी। आपको रूबरू कराएंगे आज होने वाली गतिविधियों से। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो इसी के साथ ही हेलो इंडिया में और भी बहुत कुछ होगा खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और शालिनी के साथ। और शालिनी, शुरुआत करते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए आज जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। इस संबंध में विदेश सचिव विनय क्वात्रा, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात जर्मनी के लिए निकलेंगे। वहां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के अपने दौरे के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में विशेष जांच दल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य आरोपियों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा, ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दंगे पूर्व नियोजित थे। प्रशासन के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की पूर्व नियोजित साजिश का आधार नहीं माना जा सकता, न ही इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य प्रायोजित हिंसा कह सकते हैं। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस C.T. रवि कुमार की पीठ ने जाकिया जाफरी की 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SIT रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया की याचिका खारिज करते हुए ये बात कही। जाकिया दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों पर आरोप लगाए थे। पीठ ने 452 पृष्ठ के फैसले में जांच रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा, कोर्ट द्वारा गठित SIT ने 2012 में सभी सबूतों पर विचार करने के बाद अपनी राय बनाई। SIT ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सामूहिक हिंसा के लिए सरकार में शीर्ष स्तर पर आपराधिक साजिश रचे जाने के आरोप खारिज कर दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 122.69 लाख मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 61 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना की अधिसूचना के मुताबिक अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने तपन कुमार डेका को सूचना विभाग यानी कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो का निदेशक बनाया है। उनका कार्यकाल पदभार संभालने के बाद 2 साल के लिए होगा। डेका अरविंद कुमार का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच तपन डेका वर्तमान में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रभारी भी हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल भी 1 साल और बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने शुक्रवार को इन फैसलों को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने जी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। अय्यर अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। अमिताभ कांत को 2016 में 2 साल के लिए CEO बनाया गया था और तब से उन्हें सेवा विस्तार मिलता रहा। साथ ही 30 जून को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ जिम्मेदारी पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं सरकार ने रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल को 1 और साल की सेवा विस्तार दिया है। भारत के केंद्रीय औषधि विशेषज्ञ समिति ने आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने की शुक्रवार को सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक को भेज दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सरकारी और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 16 मार्च को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए अब राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद एक नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष 16 बागियों को दे सकते हैं नोटिस। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट उबाल मार रहा है। अब मामला पॉलिटिकल के साथ साथ लीगल भी हो चला है। शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल को पत्र लिखा है। यह अलग बात है कि उनके अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठ गया है। इसके अलावा कुछ और तर्क भी सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के 2 निर्दलीय विधायकों ने नरहरी को लिखा है कि वो किसी MLA को सस्पेंड नहीं कर सकते। इसकी वजह बताते हुए इन विधायकों का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। विधानसभा उपाध्यक्ष ऐसे निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी गहमागहमी देखने को मिल सकती है। भाजपा की आज एक बैठक होनी है, इसमें भाजपा के सहयोगी दल शामिल होंगे। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। वहीं शिवसेना ने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे सेना भवन में सेना की सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणियों की बैठक बुलाई है। वे VC के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आदित्य ठाकरे आज शाम 6:30 बजे मरीन लाइन्स में बिरला मातोश्री सभागार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आदित्य रविवार सुबह 11 बजे सांताक्रूज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में सभी युवा शिव सैनिकों को शामिल होने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने गुरुवार को समग्र समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के नार्को टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और शुक्रवार को 4 आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि बड़गाम पुलिस ने सेना के 53 RR और CRPF के साथ 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान आज शुरू हो गए हैं। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर मतगणना होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। निर्वाचन कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के नाम पर हेमंत सोरेन ने एनडीए का समर्थन करने से न तो इनकार किया है और न ही यूपीए को समर्थन देने की घोषणा की है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे। ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीण को बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा और साथ ही दूसरी आवश्यक सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियों को तैयार करने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस बार मामला केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की फाइल को लेकर है जो आज से शुरू होने वाला था, लेकिन केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी सिंगापुर दौरे की फाइल को उपराज्यपाल ने जानबूझकर लटकाया है। आरोप है कि 7 जून को भेजी गई फाइल पर अब तक मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने उच्चायुक्त का आमंत्रण स्वीकार कर सिंगापुर दौरे की रूपरेखा तैयार की और इस संबंध में फाइल 7 जून को उपराज्यपाल के पास भेजी, जिसे अब तक स्वीकृति नहीं मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया। सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की बैठक सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 दिन का यह सत्र 30 जून तक चलेगा। पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह मुद्दा उठाया। बाजवा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं कहा है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सदन के सदस्य ने कहा कि विपक्ष के नेता आम जनता से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, बल्कि व्यापारियों, डॉक्टरों और आम जनता को फिरौती के लिए धमकी भरे फोन आ रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने मशहूर सिंगर मुसेवाला की हत्या का मामला भी उठाया, इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा का यह सत्र 30 जून तक चलेगा। बजट अनुमान 27 जून को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत 60 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और डाइट के लिए आर्थिक मदद दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता का भरोसा दिया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ उफान पर हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घटने लगा है। राज्य में बाढ़ के कारण बीते 24 घंटे में 7 और लोगों की मौत हो जाने से आपदा में अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 108 हो गई है। असम की बराक घाटी का प्रवेश द्वार माने जाने वाले सिलचर के अधिकतर इलाके जलमग्न है। घाटी के 3 जिले कछार, हेलाकांडी और करीमगंज बराक और कुशियारी नदी के बढ़ते जलस्तर से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। असम के कई इलाकों में बाढ़ का पानी सरकारी विभागों के कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों के परिसर में घुस गया है, जिसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ा है। वहीं स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन सदस्य देशों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को नामित करने में आपस में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
एफएटीएफ की ओर से आतंकी फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर बनाया जा रहा दबाव अब रंग लाने लगा है। पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने 2008 के मुंबई हमले के एक हैंडलर को आतंकी फंडिंग के मामले में 15 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई है। लश्कर और जमात उद दावा से जुड़े आतंकी फंडिंग के केस देखने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मजीद मीर को 15 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक रो वी वेड फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें देश में गर्भपात से संबंधित सुरक्षा को संस्थागत रूप दिया गया था। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के फैसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को भयावह और दिल तोड़ने वाला बताया। Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans, but they did it. It's a sad day for the court and for the country. 50 years ago, Roe v. Wade was decided and has been the law of the land since then. This landmark case protected women's right to choose, her right to make intensely personal decisions with her doctor, free from the interference of politics. It reaffirmed basic principles of equality, that women have the power to control their own destiny, and it reinforced a fundamental right of privacy, the right of each of us to choose how to live our lives. भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए दो विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री भेजी है। अफगानिस्तान में 22 जून को आए शक्तिशाली भूकंप के कारण भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने सबसे पहले सहायता प्रदान करते हुए दो विमानों से वहां 27 टन आपात राहत सामग्री काबुल भेजी, जिसमें तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल और चटाई आदि शामिल है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,150 हो गई है। ईंट और पत्थरों से बने घर भूकंप के कारण मलबे में तब्दील हो गए हैं और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत ने गंभीर आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को 3 अरब श्रीलंकाई रुपए से अधिक मूल्य की एक बड़ी मानवीय सहायता खेप सौंपी है। खेप में भारत के लोगों द्वारा दान में दिया गया 14,700 मीट्रिक टन चावल, 250 मीट्रिक टन दूध का पाउडर और 38 मीट्रिक टन दवाइयां शामिल हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि मानवीय सहायता की बड़ी खेप भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच जुड़ाव और श्रीलंका में अपने बंधुओं के कल्याण के लिए भारत के लोगों की चिंताओं को रेखांकित करती है। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन और मोल्दोवा को यूरोपीय संघ के सदस्य का दर्जा देने के प्रस्ताव का भारी बहुमत से समर्थन किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के नेताओं से चर्चा के बाद ये घोषणा की। प्रस्ताव के समर्थन में 529 और विरोध में 45 वोट पड़े, जबकि 14 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय संघ के संबंधों में ये ऐतिहासिक क्षण है और यूरोपीय संघ में ही यूक्रेन का भविष्य है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नॉर्वे पुलिस ने इसकी जानकारी दी। शूटिंग लंदन पब में हुई थी, जो शहर के केंद्र में एक लोकप्रिय समलैंगिक बार और नाइट क्लब है। पुलिस ने कहा कि एक संदिग्ध के पास से ही पकड़ा गया है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमले का मकसद क्या था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए टीमों के पूल की घोषणा हो गई है। अंडर 17 के महिला विश्व कप के लिए जारी टीम शेड्यूल में भारत को ब्राजील और अमेरिका की टीम के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। आपको बता दें कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप इस साल खेला जाना है। और इन तमाम सुर्खियों के बाद, खबरों के बाद, अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। आज की खास गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्स के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात रवाना होंगे।
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के केवड़िया में आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक विज्ञान क्षमताओं पर गृह मामलों की सलाहकार समिति के आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही आज कार्यक्रम ज्योतिर्मय का समापन समारोह नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी प्रस्तुति देंगे। पराक्रम, फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते हम लेकर आए हैं कुछ खास तस्वीरें। धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत है पराक्रम, और ये भी कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे सुंदर जगह है, लेकिन भारत में कश्मीर दुनिया के स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा शालिनी आपने। हम ये कहते हैं कि दुनिया के कई सारे देश जिसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन यदि हम अपने ही देश में नज़र डालें तो पहाड़, झरने, रेगिस्तान सब कुछ हमारे देश में है। तो ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं पहलगाम की सुंदर तस्वीर, बहते हुए झरने, सुंदर पहाड़, मनोरम हरियाली। और यदि आप छुट्टियां बिताने की सोच रहे हैं तो पहलगाम भी एक बेहतरीन जगह हो सकती है। बिल्कुल, आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। आप बने रहिए हमारे साथ। Journey of BRICS, the impact it has had on the world, and what the future holds for this group. 4 different continents, such a large landmass, population, all this put together makes it an influential voice. But they move towards a common vision. Dominant symptoms of GERD or reflux disease is one, it causes the heartburn, second is water rash, and the third important symptom is pain. Healthy India program mein janiye sab acidity ke bare mein Sunday subah 9 baje. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और अब समय है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का। तो शालिनी, पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 25 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 25 जून वर्ष 1908 को सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी थी। वे भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थी। सुचेता ने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुचेता जेल भी गईं। 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। 25 जून वर्ष 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और देश के नागरिकों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। 12 जून वर्ष 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण को विजयी घोषित कर दिया था। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर तय सीमा से अधिक रुपया खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। पराक्रम, वैसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी आज की तारीख बहुत मायने रखती है। आज ही के दिन 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप में जीत हासिल की थी।
बिल्कुल शालिनी, और 1983 में जब ये चमत्कार हुआ था तो पूरी दुनिया ने भारत की प्रतिभा का प्रदर्शन देखा था, और शालिनी एक जो भावुक क्षण था वो अद्भुत था, देखने लायक था। और मुझे याद आ रही है वो कपिल देव पर बनी हुई 83 जो मूवी है वो अपने आप में बताती है कि कितने संघर्ष और कितनी मेहनत के बाद भारत ये विश्व चैंपियन बनकर लौटा था क्रिकेट में। बिल्कुल पराक्रम, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारत ये जीत हासिल करेगा, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल। और पराक्रम, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उन तीन परिवर्तनकारी योजनाओं की जिनकी शुरुआत शहरों के कायाकल्प के लिए आज ही के दिन शुरू हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं की शुरुआत की थी, तो क्या इन 7 वर्षों में क्या कुछ उपलब्धियां रही इन योजनाओं की, वो बताइए। बिल्कुल, नज़र डालते हैं इन तमाम सारी प्रमुख योजनाओं पर। आपको बता दें कि 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन SCM अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया था। इन 7 वर्षों में योजनाओं की क्या उपलब्धियां रही इस पर नजर डालते हैं। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत 100 शहरों का विकास किया जा रहा है ताकि वहां गुणवत्ता, स्थिरता और शहरी शासन के एक नए प्रतिमान को विकसित करके जीवन को सरल बनाया जा सके। इसके अलावा अमृत योजना के माध्यम से 1 लाख और उससे अधिक आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से के साथ 500 शहरों में बुनियादी ढांचे जैसे जलापूर्ति और सीवरेज सेप्टेज परियोजनाएं और हरित पार्क का काम किया जा रहा है। यह देश की कुल शहरी आबादी के 65% से अधिक लोगों को कवर करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU के तहत 1.12 करोड़ आवासों की कुल निर्धारित मांग के मुकाबले 1,14,00,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से कुल 51.5 लाख घर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और 53 लाख घर 12 दिसंबर 2021 तक पूरी तरीके से तैयार कर वितरित किए जा चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं शालिनी, और नजर डालते हैं, आपको बता दें कि जो खास ट्वीट क्या किए गए हैं आज, परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती पर भावपूर्ण तरीके से उन्हें नमन किया गया है। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार की लड़ाई में उन्होंने असाधारण वीरता, शौर्य और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। मातृभूमि के प्रति उनकी कर्तव्य परायणता को देश चिरकाल तक याद करेगा। आज ये उन्हें याद करने का दिन है और ये ट्वीट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। और पराक्रम, अब हम हमारे दर्शकों को ये बता देते हैं कि आप हेलो इंडिया में जो कुछ भी देखते हैं, हमारी पॉजिटिव स्टोरी या ऐसी खबरें जो हैं आपके काम की, यानी कि न्यूज़ यू कैन यूज़, आज का इतिहास और साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरें भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी सनसर टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और साथ ही आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही सनसर टीवी कू ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। लेकिन खास बात ये कि आप सनसेट टीवी की आईडी को ज़रूर फॉलो करें और उस पर आप हमें अपनी सुझाव दें, अपनी हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल अब हो गया है इजाज़त लेने का समय, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं शिव साधना पर आधारित शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की सुंदर प्रस्तुति के साथ। बिल्कुल, भारत की सुंदर नृत्य संस्कृति को देखिए, इस पर गर्व करिए, क्योंकि यही हमारी गौरवशाली परंपरा की एक झलक है। इसी के साथ इजाजत। बिल्कुल पराक्रम, और हम बस ये कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। Shiva Namah Shivaya.